आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र में गांव भोगापुरा नेकपाल में खेत की जांच पर अभिलुक्त को कोई रास्ता न मिलने पर की रिपोर्ट, जहां पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी उपजिलाधिकारी व क्षेत्र अधिकारी से शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की लापरवाही करा सकती है दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष, जहाँ थाना निबोहरा क्षेत्र में दबंगों द्वारा ब्राह्मण समाज के खेतों पर अपनी दबंगी के चलते खेतों के में ही खड़ी फसल को नष्ट कराती। कौन से गांव से आप? ये मामला जो अभी चल रहा है जमीनी मामला, पंडित जी इनके साथ क्या मामला है पूरा? अवैध कब्जा कर रहे हैं, ये कोई जगह ना जबरदस्ती, वो बहुत अन्याय हो रहा है। समझा, प्रशासन की तरफ से इनको कोई आश्वासन सहायता नहीं मिली? क्या क्या आप चाहते हैं? सहायता नहीं मिलेगी, धरना प्रदर्शन करेंगे हम जिनके साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन शर्मा है। कौन से गांव से हैं आप? मैं गांव निवारा से हूं। आज आप गांव से पलायन वाली बात जो कर रहे हैं, क्यों आप गांव छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या रीजन है? देखिए, पलायन कोई व्यक्ति भली भांति नहीं करता है, खुशी खुशी नहीं करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे परिवार को पिछले 1-2 महीने से परेशान किया जा रहा है। जब इस चीज की सूचना मिली तो हमने कानून का सहारा लिया। कौन लोग परेशान कर रहे हैं आपको? ये हमारे खेत में जबरन रास्ता ले रहे हैं, हमारी फसलों को जो है, जो फसलें हैं उसको भी बेकार कर देते हैं और जबरन उसमें रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, तार तोड़ देते हैं, उसमें पशु घुसा देते हैं और जब उनसे कुछ कहते हैं तो विवाद की स्थिति बनती है। और क्योंकि हमारा जनबल नहीं है और हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम कानून का सहारा लेने के लिए हम इधर उधर दौड़ रहे हैं। लेखपाल जी के पास गए, लेखपाल जी ने अपनी रिपोर्ट में ये अवगत कराया कि हाँ उसकी जगह नहीं है यहाँ। एडीएम साहब ने भी यही इसी बात का उल्लेख किया अपनी सूचना में और सीओ साहब के पास भी गए, थाने में भी गए हैं साहब, कई बार 100 नंबर में कॉल किया है। वो व्यक्ति पिछले 15 दिन से उसने हमारा जीना आराम कर दिया। कौन से गाँव का मामला है? ये गाँव भोपरा का मामला है, वहाँ हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन में कभी कोई रास्ता रहा ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। जिस व्यक्ति का विवाद है उस व्यक्ति का उस जमीन के आसपास कोई बैनामा नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है और उनको जनबल है तो दबंगई दिखा रहे हैं। और दबंगई की जब बात आती है तो कौन मेरे परिवार को नष्ट करेगा, हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा सहयोग नहीं किया शासन प्रशासन ने तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। जमीनी हमारा मात्र साधन है खाने पीने का, जब हमसे यही छिन जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे? या हम भी जमीन पर काम नहीं कर सकते, हमें कोई मजदूरी भी नहीं करने देगा यहाँ पे? क्या मांग है प्रशासन से आप? प्रशासन से हमारी मांग यही है कि लेखपाल की रिपोर्ट है वो भी उसमें उन्होंने साफ साफ किया है कि साहब उसमें नहीं है, जगह नहीं है। हर अधिकारी कह रहा है, पुलिस के पास 100 नंबर फोन करते हैं, पुलिस आती है चली जाती है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा दबाव है प्रशासन पर जिसकी वजह से उस व्यक्ति को वो टाइट नहीं कर पा रहे हैं। किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? मतलब हम लोगों को वो मारे आके, हमें अपने गाँव से भी निकाल दें बाहर? आपकी मांग यही है आपकी जो कार्रवाई? मेरी मांग यही है कि एक तो वो व्यक्ति जिस जो कब्जा कर रहा है आए दिन हमको धमकी देता है कि साले तुम्हें कभी हम इसमें फंसा देंगे, कभी इसमें दूसरा कहीं लगवा देंगे, कभी तुम्हें 3-7 लगवा देंगे। उसकी रिकॉर्डिंग ही मेरे पास है, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ तो मैं इन चीज़ों को भी उजागर नहीं करना चाहता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सरकार से और प्रशासन से, शासन से, कि मेरे परिवार को शीघ्र वो जगह खाली कराई जाए, उनको मुझे दी जाए जिससे मैं उसमें फसल कर सकूं। अभी मैंने उसमें फसल की बुवाई करवाई थी, वो भी फसल उन्होंने मेरी नष्ट कर दी। रात दिन खुदाई करते हैं, रात में दिन में रोजाना खुदाई करते हैं, जगह निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि लेखपाल द्वारा पैसे की, क्या वो क्या मामला है? देखिए, लेखपाल द्वारा पैसे का जो वीडियो मेरे पास आया है उस वीडियो में वो पार्टी कह रही है, ये सारी चीज़ें लेखपाल जी बैठे हैं उनसे बात करना है। जो मेरे पास साक्ष्य हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको देखिएगा। मेरे बनाए हुए साक्ष तो है नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग आई है उन्हीं के लोगों के मुंह से, मैंने तो ये बात सुनी है रिकॉर्डिंग में है कि उन्होंने कुछ लेखपाल साहब को सेवा पानी दिया इसलिए वो जगह कहने की देने की कह रहे हैं। जबकि मैं आपको फिर बता दूं, उस व्यक्ति का आसपास कोई नंबर नहीं है और मैं मेरा परिवार अपने जीते जी इस तरीके से वहाँ जगह नहीं देंगे, हमको ज़्यादा परेशान किया जाएगा, हम धरना करेंगे, तहसील दिवस नहीं होने देंगे, हम तहसील मंगलवार को जाके वहाँ 100-500 आदमी लेके बैठूंगा मैं। ठीक, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।